हेलो एवरीवन, आई एम एक्टर सौरभ एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो है वो गुजराती फिल्म सॉन्ग्स पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड विद गुजराती इंडस्ट्रीज़, जो लोग गुजरात में रह के या गुजरात के बाहर फिल्म इंडस्ट्री हमारी गुजराती इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है वो, और हमारे स्पेशली हमारे गुजरात के DJs, सो इन तीनों पर इंटरकनेक्टेड है वीडियो। सो आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं कई दिनों से एक सर्वे कर रहा हूँ, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स एंड कई जगह पे मैं जाके पर्सनली लोगों से मिला हूँ, बात किया हूँ मैं, और मैंने यही सर्वे किया है कि कितने लोगों ने गुजराती फिल्म देखी है, कितने लोगों ने नहीं देखी, कितने लोग क्या मतलब उन्हें चाहिए कि भाई गुजराती फिल्म जिससे वो देखने जाएँ, और अगर उन्होंने देखी है तो उनको क्या अच्छा लगा है। सो ये पूरा मैंने 100 लोगों से मिला हूँ मैं और पूरा मैंने सर्वे किया है। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पहले 100 में से जो पहले 50 है, 40 to 50 लोग, सो वो तो हमारे इंडस्ट्री से बहुत खुश हैं, उन्होंने गुजराती फिल्म्स देखी है। और हियर आर द लिस्ट ऑफ द फिल्म्स नेम, कौन सी फिल्म्स उन्होंने देखी। सो लिस्ट में है ऑब्वियसली छेल्लो दिवस, थई जशे, शुभारंभ, रॉन्ग साइड राजू, दुनियादारी, लवनी भवाई, दे यार, तू तो गयो, चाल जीवी लइए, भूतू तू तू, बस एक चांस, आई एम अ गुज्जू, त्रण डोबा, सेक्स एजुकेशन, बेस्ट ऑफ लक लालू, चल मन जीतवा जाइए, करशन दास पेंड यूज, पासपोर्ट, फैमिली सर्कस, अवतारू करी नाखू, रेवा, प्रेमजी, भवर, साहेब एंड लास्टली तू आवेश तो खरो ने। सो दीज वॉज द फिल्म्स हु मोस्टली वॉच्ड, द पीपल्स आर वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस एंड माई रिएक्शन वॉज हो माई गॉड, इतने लोगों ने गुजराती फिल्म्स देखी भी है, उन्हें पसंद भी आई है। और मैंने कहा कि आपको इसमें कुछ चेंज, उसने कहा नो, बहुत ही अच्छा लगा, कई फिल्म्स है जो जिनका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, और कई फिल्म्स है जो हमें कुछ सिखाती है, कई फिल्म्स में स्टोरी और कंटेंट बहुत अच्छा है, कुछ में म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और नेगेटिविटी मुझे मतलब सुनने ही नहीं मिली कि यार इसमें ये अच्छा नहीं था, उसमें वो अच्छा नहीं था, ये ऐसा ये वैसा, कुछ नहीं, नो नथिंग। मैं बहुत ही खुश मैं अभी भी उतना ही खुश हूँ कि लोग बहुत अच्छा लगा। एंड आफ्टर दैट 50 का जो रेशियो है वो ख़त्म करके मैं और भी कई लोगों से मिला हूँ जो हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर गुजराती सिनेमा, और उन्होंने या फिर उन्होंने गुजराती फिल्म देखी है, नहीं उन्होंने नहीं देखी। मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ जिन्होंने गुजराती फिल्म नहीं देखी। सो देवर टेलिंग के सौरभ हमें पता है कि चाल जीवी नहीं है, अभी रिसेंटली आई है, लवनी भवाई है, छेल्लो दिवस है। सो आई आस्क, आपने देखी? सो नहीं यार, पता है देखी नहीं है। मैंने कहा क्यों, टेल मी सम रीज़न। उनके रीजंस भी ऐसे थे कि मैं क्या बताऊँ। सो कुछ लोगों ने कहा क्या यार नहीं जा पाए या कुछ और। कुछ लोगों के जेन्युइन रीजंस भी थे कि सब यार गुजराती फिल्म्स में क्या है यार, मतलब उतना अच्छा कंटेंट नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, साहेब है जो भी मल्हार भाई की साहेब है वो देखो, साहेब, चाल जीवी लइए, और रेवा है, बिमच्छू अपकमिंग फिल्म है जो रियल इंसिडेंट पे बेस है, हिलारो एक फिल्म अभी आ रही है, उसका कंटेंट मुझे नहीं पता लेकिन उसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में से बेस्ट गुजराती फिल्म का अवार्ड मिला है, और दिस इज़ अ वेरी प्राउड थिंग ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैंने कहा क्यों नहीं है, आप देखो, क्यों देख क्यों नहीं रहे हो आप। सो कुछ लोगों ने कहा कि यार सौरभ बॉलीवुड वाली बात नहीं। मैंने कहा यार
बॉलीवुड इंडस्ट्री को क्यों आप दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो? गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, गुजराती प्रोड्यूसर्स एंड गुजराती मेकर्स वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों तक कुछ नया पहुंचे। जो चीज़ देखी हुई है उसी को ही आप गुजराती फॉर्म में देखने जाओगे तो फिर उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। और यहाँ हम लोग हमारे रिच गुजराती कल्चर, रिच हेरिटेज, इन सबको ध्यान में रखकर हम लोग फिल्म्स बनाते हैं। और वी रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज वेरी मच, ऑब्वियसली दैट्स वाई वी आर इन इंडस्ट्रीज। एंड कई लोग बोलते हैं कि यार हम लोग तो सिर्फ बॉलीवुड देखना पसंद करते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि बचपन से बॉलीवुड देख रहे हैं यार, अब गुजराती कुछ फिल्म्स चल जाती है तो ठीक है, कौन देखता है गुजराती फिल्म्स। मैंने कहा भैया रुको, गुजराती फिल्म्स के एक बार आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं या जो भी है, आप एक बार गो एंड सर्च ऑन गूगल, हमारे एक्टर्स हैं उनको फ़ैन फॉलोइंग्स देखिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखिए, रिव्यूज़ देखिए, तब आपको पता लगेगा कि गुजराती फिल्म कौन कौन देखता है। बॉलीवुड वाली बात नहीं है। मैंने कहा गुजराती इंडस्ट्रीज इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री। हमारी गुजरात की जो जनता है वो लिटरेचर, हेरिटेज, कल्चर, लैंग्वेज में इतना मानती है, आई सैल्यूट यू यार। बट जब बात एक रीजनल फिल्म्स या कुछ भी एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए पे आ जाती है, तब फिर कहाँ चला जाता है वो प्यार जो हमारे गुजराती लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड है। यार भोजपुरी फिल्म्स हैं, मराठी फिल्म्स हैं, पंजाबी फिल्म्स हैं, साउथ इंडियन, पूरी साउथ इंडस्ट्री है, वो लोग आज इतना टॉप कर रहे हैं, आप उन सबको देख रहे हो। यहाँ आप ही के घर में, आप ही के गुजरात में जब गुजराती इंडस्ट्री ऊपर आ रही है तो क्यों नहीं? अगर आपके घर के बगीचे में एक नया पौधा उगेगा तो क्या आप उसे इग्नोर कर दोगे? नहीं, आप सोचो कि यार ये अभी होगा, इसको पानी देते हैं, ये और ग्रो होगा। सो लाइक दैट वी हैव टू सपोर्ट आवर इंडस्ट्री, वी शुड हैव टू गो एंड वॉच द फिल्म्स इन थिएटर्स। मैंने उनको यही कहा कि ओके आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है, बट डू वन थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कि आप लोग या तो गुजराती सॉन्ग्स आप चेकआउट करते रहिए यूट्यूब पर, या फिर गुजराती ट्रेलर्स आप देखिए जो नई मूवीज़ आ रही है, या तो जो रिलीज़ हो चुकी है उन्हें आप फिर से लुकआउट कीजिए। आपको पता लगेगा कि ये फिल्म अच्छी है, नहीं है, आपके टाइप की है, नहीं है, क्या पता आपको बहुत अच्छी लगे और आप देखने जाओ। कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि यार हमने तो सिर्फ छल्लो दिवस देखी है, छल्लो दिवस के बाद हमने और कुछ नहीं देखा। मैंने उनको भी यही कहा कि कम से कम यार आप फिल्म नहीं देखने जा रहे हो, ओके, बट प्लीज़ बी कनेक्टेड। आप कनेक्टेड तो रहिए, आप कनेक्टेड ही नहीं रहोगे तो आगे कैसे होगा? गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को अगर ऊपर लाना है तो फिर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यू आर पब्लिक ऑब्वियसली, आप लोग सो प्लीज़ ट्रेलर्स देखिए, सॉन्ग्स सुनिए, जो भी अपकमिंग गुजराती फिल्म्स आ रही हैं, एटलीस्ट आप देखने नहीं जा रहे हो तो प्लीज़ सॉन्ग्स एंड ट्रेलर यूट्यूब पे चेकआउट करके देखोगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया आएगा, येस दिस फिल्म इज़ कमिंग। सो अब ये सारी बातें हुई थी। और दूसरी बात ये कि जो हमारे डीजेज हैं, राइट, सो सभी डीजेज से मेरी एक बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कोई भी फंक्शंस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप लोग गुजराती सॉन्ग्स प्ले कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजराती गरबा सॉन्ग्स और गुजराती एल्बम सॉन्ग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुजराती फिल्म सॉन्ग्स। हमारी गुजराती फिल्म्स के कई सॉन्ग्स ऐसे हैं, या फिर कई फिल्म्स ऐसी है जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया लोगों से, सो दे वर लाइक अच्छा ऐसा भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे ये सॉन्ग का नाम है। मैंने कहा हाँ ये सॉन्ग का नाम है। कहे वाह यार। सो प्लीज़ आप लोग भी जितने भी सॉन्ग्स है हमारे गुजराती फिल्म्स के, सो उन्हें देखिए। आप लोग कोई भी इवेंट में जा रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्लीज़ आप जितने भी डीजेज हैं गुजरात के, हमें सब उन सबसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ कुछ सॉन्ग्स
ओनली कुछ सॉन्ग्स आप बजाइए गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज़ के में, क्योंकि आप लोग डीजेज हो यार, आप लोग नॉट ओनली डीजेज, आप लोग एक माध्यम हो जो सॉन्ग्स को पब्लिक तक पहुंचाने का आप लोग एक बहुत बड़ा माध्यम हो। और सेकेंडली कि अगर आप लोग सॉन्ग्स प्ले करोगे पब्लिक को पता लगेगा कि हाँ अच्छा ये गुजराती फिल्म का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, वो लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उन्हें फिल्म पता लगेगी, फिल्म अगर उन्हें अच्छी लगी, उसका ट्रेलर अच्छा लगा, तो वो लोग देखने भी जाएंगे। सो दिस वॉज द ऑल स्टॉप। सो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोग गुजराती फिल्म देखते हो, सो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट इफ आप नहीं देख रहे हो सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विद इट, बिकॉज NRIs तो ठीक है बट फॉरेनर्स भी अब गुजराती फिल्म्स देख रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटें। और वी आर थिंकिंग के जिस पोजीशन पे आज दूसरी मतलब रीजनल सिनेमाज है, लाइक भोजपुरी है, मराठी है, तमिल है, पंजाबी फिल्म्स हैं, सो उसी तरह वैसे नेशनल चैनल्स पर भी गुजराती फिल्म्स टेलीकास्ट हो, हमारा भी लेवल ऊंचा आए। अगर आपको बॉलीवुड टाइप की फिल्म चाहिए तो उसके लिए जो अभी चल रहा है उसे सपोर्ट कीजिए ना। सो बस यही था मेरी वीडियो में, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अवर गुजराती इंडस्ट्रीज। और अगर मेरी एक और बात है कि हमारी जो गुजरात की पब्लिक है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिव है, इतना मुझे पता है, मैं खुद लोगों से इतने लोगों से मिला हूँ। हमारी गुजरात की पब्लिक है जो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जीती है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीती है, लाइफस्टाइल को एकदम टिप टॉप रखती है, एक्सपेंसिव खाना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एवरीथिंग, कोई कसर नहीं छोड़ती, देन वाई, सो क्यों नहीं जाते यार आप गुजराती फिल्म्स। जब बात आती तो आप हज़ारों की चीज़ें ले सकते हो, हज़ारों के प्रोडक्ट्स, कुछ भी, आप अपने लाइफ के रिलेटेड आप हज़ारों रुपया ऐसे खर्च करते हो, इट्स योर पर्सनल इश्यू, बट मैं आप पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग वो खर्चे कर सकते हो तो फिर एक 150 की टिकट क्यों नहीं ले सकते। सो दिस वॉज द ऑल थिंग। मेरी कोई भी बात का बुरा मत लगाना, जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अवर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। अगर आपको और भी कुछ जानना हो सो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो मैसेज करके या इनबॉक्स करके, जो भी, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाई, उसका रीज़न ये था कि एज आई टोल्ड यू, जो लोग गुजराती इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं हैं, दैट्स वाई। So, I love my Gujarati peoples, I love Gujarat, I love India, I love you all, keep loving, keep supporting our Gujarati industry। और अगर आपको अपनी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और थैंक यू, सी यू।